हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और हम रात को 2 बजे बनारस स्टेशन पहुंच गए थे और हमने बनारस स्टेशन पे ही रेलवे का रूम ले लिया है। और अभी सुबह के 5 बज चुके हैं, ठीक 5 बज चुके हैं, और हम लोग नहा धो के हो गए हैं बिल्कुल फुर्सत। और जिस काम से हम बनारस आए थे उस काम को हम पूरा करने जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर। हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए और बिल्कुल सुबह सुबह 5 बजे। तो चलो चलते हैं, आपको भी घुमाते हैं बनारस और काशी विश्वनाथ मंदिर में। मोबाइल तो नहीं ले जाने देते हैं, पर गेट तक तो हम आपको दिखा देंगे। भोलेनाथ की जय। हम लोग आ गए हैं बाहर स्टेशन के और ये देखिए बनारस स्टेशन, क्या खूबसूरत नजारा है यार, ये देखिए शानदार। भोलेनाथ की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो मम्मी जी भैया भी आ गए हैं और यहाँ से हम बहुत शानदार सवारी करके जाने वाले हैं, जिसमें आनंद ही आनंद आएगा। बहुत शानदार सवारी ऑटो, आज सुबह सुबह की बिल्कुल ताजा हवा खाते हुए हम जाएंगे काशी विश्वनाथ के मंदिर ऑटो में। इससे अच्छी सवारी कोई नहीं है, हमने ऑटो कर ली है। अब इसमें जाएंगे हम काशी विश्वनाथ मंदिर। बहुत दिन बाद हम ऑटो में घूमेंगे आज, क्योंकि हर शहर में हर साधन का मजा लेना चाहिए। हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में और यहाँ से निकल गए हैं और झिम 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 पानी गिर रहा है। मेरे मोबाइल पे भी 4-5 बूंद गिर चुकी है और मम्मी जी पीछे बैठी हैं, भाई साहब बैठ गए हैं। थोड़ा सा ऑटो में अंधेरा है तो इसके लिए सॉरी, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ये देखो, और यहाँ से सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी के मंदिर चल रहे हैं, जल्दी जल्दी दर्शन हो जाए। अभी दुकानें या होटल या कोई भी खाने पीने की चीज या मार्केट नहीं खोला है, क्योंकि अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं और ऑटो वाले भाई साहब बोला ये सब 7, 7:30, 8 बजे तक खुलता है। हम लोग आ गए हैं 4 नंबर गेट, ये पीछे हमारा गेट है, यहाँ से हमको जाना है अंदर। यहाँ देखिए मोबाइल रखने का पूरा सिस्टम बना हुआ है और पूरे प्रसाद की दुकान है। हम लोग पूरा प्रसाद यहीं से बंधवा ले रहे हैं और भाई साहब टोकरी में पूरा दे रहे हैं और ये सब पूरा प्रसाद है। ये देखिए इतना प्रसाद इन्होंने दिया है हमको। अब हम लोग मोबाइल यहाँ पर लॉकर में रख के जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के। हम लोग को काशी विश्वनाथ के बहुत शानदार दर्शन हुए और मैंने तो 2 बार दर्शन किए और बहुत अच्छा लग रहा है यार, दिल में इतनी खुशी मिल रही कि इतनी दूर से हम लोग आए और काशी विश्वनाथ के छूकर उनको दर्शन हुए हैं और बहुत ही मन खुश हो गया है इतनी दूर आने का। मम्मी ने भी दर्शन कर लिए, हम लोग ने 2 बार दर्शन किए। भोलेनाथ की इच्छा थी कि आज 2 बार दर्शन देना है तो हमको 2 बार दर्शन। और देखिए पीछे ये 4 नंबर VIP गेट है, हम लोग यहीं से सीधे अंदर गए थे और बिल्कुल पास से जाके दर्शन मिल जाते हैं, ज़्यादा लाइन नहीं लगानी पड़ती यहाँ पे। थोड़ा सा अंदर जाइए और बिल्कुल सामने मंदिर है भगवान के, बहुत ही अच्छे दर्शन मिल गए हैं। और ये देखिए गोल बम भगवान का आशीर्वाद, तिलक भी हो गया बाबा की जय। अब हम लोग के दर्शन हो गए हैं पूरे, मार्केट भी खुल चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं गंगा जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से 200-250 मीटर पड़ता है गंगा जी का घाट, तो हम लोग वही धीरे धीरे जाएंगे। मम्मी से थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा, मम्मी से चलते नहीं बनता है, तो हम लोग को मिट्टी पूरी गीली हो गई, पच पच कर रही, तो बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं गंगा जी के दर्शन करने के लिए। हम लोग को जाना है गंगा घाट दर्शन करने के लिए, तो हमको ऑटो मिल गई है, छोटा ई रिक्शा। आज हम ई रिक्शा की सवारी कर रही हैं, बहुत बढ़िया। हम लोग ई रिक्शा में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं गंगा जी के दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने प्लान चेंज कर दिया, अब हम पूरी गाड़ी बुक कर रहे हैं, ये वाली ई रिक्शा पूरा बुक कर लिया है और हम लोग अब बनारस दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। तो अब हम यहाँ से दशमेश घाट वाले गंगा जी नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 80 घाट वाले गंगा जी घाट, क्योंकि मम्मी को चलने में दिक्कत है। अब हम लोग दर्शन करने के लिए बनारस की सड़कों पर निकल चुके हैं और हमने गाड़ी बुक कर ही ली है, तो हम 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे के अंदर में पूरे दर्शन कर लेंगे। ऑटो वाले भैया ऐसा बोल रहे हैं, अब हमारे ऊपर है हम कितना अंदर दर्शन में टाइम लगा रहे हैं। हम तो भाई घूमने निकले हैं तो हम तो घूमेंगे और ब्लॉग बनाएंगे, बहुत मजा आ रही है। मार्केट खुल गया है और मम्मी जी का कहना है कि दर्शन कर ही लेते हैं, नया काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन, दुर्गा मंदिर, सब जगह दर्शन करेंगे। और सबसे मुख्य हम जा रहे हैं 80 घाट। हम लोग यही रास्ते से गुजर रहे थे तो बहुत शानदार नाश्ते की दुकान हमें मिली है, इडली सांभर बड़े की। तो मम्मी जी बोल रही नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं घूमने के लिए।
मम्मी जी इसी में बैठ के खाएंगी। अब हमने ली है इडली, इसमें आते हैं 3 पीस, बहुत ही शानदार। और चटनी का फ्लेवर तो इतना गजब का है, इतना गजब का है कि मुंह से छूट नहीं रही है। और आज देखो हम लोगों ने ट्विस्ट शर्ट पे टी शर्ट पहनी है, ट्विस्ट टी शर्ट रेड रेड। पैंट भी ब्लू ब्लू है, पैंट भी ब्लू ब्लू है। देखो मैंने तो ऊपर से मोड़ा है क्योंकि कीचड़ था ना, तो मैं पूरा मोड़ के घूम रहा घुटने तक में, घूमने में बहुत मजा आ रहा है। और सुबह का मौसम बहुत शानदार, बारिश रुक चुकी है। अभी लगभग 3-4 मंदिर अपन घूमेंगे आराम से, आराम 3-4 मंदिर घूमेंगे। अब मैं फटाफट इडली को फिनिश कर लूं क्योंकि ये सामने है तो अब रुका नहीं जा रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं 80 घाट और गंगा माई देखो बिल्कुल सामने दिख रही है। ये देखिए पूरे सामने गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं और गंगा जी उफान पर है तो ऊपर आ गई है बिल्कुल सड़क पे। ये देखिए गंगा माई बिल्कुल ऊपर सड़क तक आ गई है क्योंकि गंगा जी में बाढ़ की स्थिति है तो पानी बिल्कुल ऊपर तक आ गया है। हम लोग हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में और बहुत शानदार कैंपस है यार, मैं तो इसके अंदर पहली बार आया हूँ और दिल को छू गया ये कैंपस, बहुत ही बढ़िया। और इसके अंदर है काशी विश्वनाथ मंदिर, नए काशी विश्वनाथ मंदिर। अब हम वहीं जा रहे हैं सीधे, हम आ चुके हैं नए काशी विश्वनाथ मंदिर में और हम अंदर जा रहे हैं सीधे। हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जय भगवान भोलेनाथ। हम लोग आ गए हैं संकट मोचन मंदिर, मामी जी बोले हम यहीं बैठे रहेंगे। और ये पीछे देखिए मेरे पीछे मंदिर है और गंगा जी यहाँ पर भी बिल्कुल रोड पे आ चुकी हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, मोबाइल अलाउ नहीं है तो मोबाइल हम मम्मी को देखे जा रहे हैं यहीं पर। हम लोग आए यहाँ जलेबी की दुकान पर और ले रहे हैं क्रंची क्रंची जलेबी। घूमते घूमते लग गई थोड़ा सा भूख तो हमने वाला जलेबी खाते हैं और कुल्लड़ वाली चाय मिल रही है यहाँ पर, तो हम कुल्लड़ वाली चाय पियेंगे आज। मस्त चाय भाई, मजा आ गया और हम आनंद ले रहे हैं कुल्लड़ चाय का। हम लोग पूरे बनारस घूम के आ गए हैं अपनी मंजिल बनारस रेलवे स्टेशन और बहुत शानदार, बहुत मजा आया बनारस दर्शन में, अद्भुत एक नंबर। अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में, घूमते घूमते हो गई बहुत थकान, अब थोड़ा सा आधा एक घंटा करेंगे आराम उसके बाद करेंगे लंच। हम लोग का लंच आ गया है और हमने ली है ये वाली थाली और भाई साहब ने ली है ये वाली थाली। मम्मी बोल रही है कि हमें खाना नहीं खाना है, हम लंच अभी नहीं करेंगे, इच्छा नहीं हो रही है। तो हमने बोला ठीक है, बोले तुम लोग करके आ जाओ। तो हम लोग नीचे आए हैं रेस्टोरेंट में, हम लोग हो गए तैयार, अब जा रहे हैं हम इस रूम को छोड़कर प्लेटफॉर्म पर अगली जर्नी चालू करने के लिए। बहुत जल्दी बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय हो गया है, तो फटाफट हम सामान उठा के प्लेटफॉर्म पे पहले पहुंच जाए। मैं सामान लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गया हूँ जहाँ हमारी गाड़ी लगनी है। चोली भाई के साथ सामान लेकर आ गया हूँ और भैया मम्मी को लेकर आ रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा दिक्कत होती चलने में, तो समय लगेगा थोड़ा सा। और अभी ट्रेन की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है पर प्लेटफॉर्म घोषित हो गया है कि 2 नंबर पे आएंगे। मम्मी और भैया आ गए प्लेटफॉर्म पर, समय लगा पर आ गए धीरे धीरे कर, पर हम खड़े हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ये देखिए बनारस स्टेशन, बनारस जंक्शन, ये देखो। और लौट के हम फिर से वहीं आ गए। कुछ मिनट में हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है और हम बनारस से अपने गांव जा रहे हैं। गांव गांव घूमेंगे, ब्लॉग मिस मत करना, बहुत शानदार ब्लॉग आने वाले हैं। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। कुली भैया हमारा सामान लेकर जा रहे हैं, बैग ज्यादा हो जाने कारण अमित भैया बैग पकड़ लिए हैं।
और प्लेटफार्म पर ट्रेन लग चुकी है और हम लोग फटाफट अंदर जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा समय रुकती नहीं है ये। मम्मी जी को आगे खड़ा कर दिए थे तो बिल्कुल सीट पर बैठ गई है जाके। हम लोग को सामान लाने में थोड़ा सा देरी हो गया क्योंकि बोगी आगे पीछे हो जाती है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यात्रा में थोड़ा बहुत तो संघर्ष करना ही पड़ता है। हमारा S5 में है, हमने अपने सीट का सामान एडजस्ट कर लिया है, मम्मी जी बहुत आराम से बैठ गई हैं। हमको AC में टिकट मिला नहीं तो हमको स्लीपर बोगी में टिकट करवाना पड़ा। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है भाई साहब, ठीक है ना। स्लीपर बोगी ठीक है, बस थोड़ा सैनिटाइज करना पड़ेगा। सैनिटाइज तो करना पड़ेगा क्योंकि मेरा सैनिटाइज ज़्यादा गंदी है भाई, बहुत ज़्यादा। स्लीपर की तो हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, पर यह है कि थोड़ी दूर का सफ़र है, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है अपना, तो अपन चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो AC रहता है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब क्या करें, मिल ही नहीं रही थी उस दिन, वेटिंग 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 बता रहा था, तो इसमें करवा लिए हैं। अब हम जा रहे हैं पानी लेने, पानी के काउंटर आगे है ही नहीं, बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा। मम्मी जी को सीट पे बैठा दिए, सामान रख दिए और पीछे जा रहे हैं हम लोग पानी ले लेते, क्योंकि रास्ते में पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। हम लोग छोटा सा सफ़र करके अपने स्टेशन पर उतर गए हैं, अब यहाँ से हम गाड़ी करके अपने गाँव जाएंगे। ये देखो हमारे गाँव का स्टेशन शानदार। हे गाइस, हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं और बहुत ही शानदार मौसम है। और ये देखो मैं खड़ा हूं छत पर, मौसम का मज़ा ले रहा हूं। मम्मी नीचे बैठी हैं, बातचीत कर रही हैं, भाई साहब चाय नाश्ता कर रहे हैं। हे गाइस, शाम से जब से मैं आया हूं मैं ब्लॉग लोड करने की कोशिश कर रहा हूं, पर यहां गांव में ना नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और अभी थोड़ा सा नेटवर्क मिल रहा है। मैं बिल्कुल छत पे खड़ा हूं, 3 मंजिला छत पे, और देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा अंधकार है। तो थोड़ा नेटवर्क मिला, फटाफट ब्लॉग को लोड करता हूं। ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।